हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। आप सभी का स्वागत है LICAA 2019 के मेमोरी बेस्ड पेपर में। तो एक क्लास नंबर 5 है। आज के वीडियो में हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल देखने वाले हैं। ये पजल सॉल्व करने की मैं फास्टेस्ट टेक्निक बताता हूँ गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 9% ABCDEFGHJ आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये पजल हम लाइन मेथड से बनाएंगे गाइस। यहाँ पे 9% है तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ये हो गया 9। ओके, कंडीशन रीड करते हैं। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी सेंटर में फेसिंग है तो सेकंड टू राइट मतलब एक छोड़ के ये हो गया ए। अब सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए से फोर्थ लेफ्ट में मतलब ये हो गया 1, 2, 3 एंड ये हो गया एफ। 2% सीट बिटवीन सी एंड एफ, और सी और एफ के बीच में 2% है। तो यब से राइट साइड में 2% छोड़ के यहाँ पे भी सी हो सकता है, और यब से लेफ्ट साइड में 1-2% छोड़ के यहाँ पे भी सी हो सकता है। तो हम दोनों केस निकालेंगे। तो राइट साइड में ये सी यहाँ पे हो गया, और हम यही केस ऊपर निकालेंगे। लेफ्ट साइड में अगर सी लेंगे तो ये 1 और ये 2% छोड़ के सी यहाँ पे हो गया लेफ्ट में। जी इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ जे। अब जी और जे क्या है, इमीडिएट नेबर है। जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। अब एच के सेकेंड टू द राइट जी है, मतलब बीच में 1% होगा। डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है, डी है, मतलब बीच में 1%। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई और ए इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, तो कंडीशन कैसे नोट करते हैं ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं ये दोनों केस में। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कि एच के सेकंड टू द राइट ऑफ जी है। तो नीचे के केस में एच कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं ये देखते हैं। हम एच यहाँ निकालेंगे तो जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे जी होगा। बट गाइस यहाँ पे आपको दिया है कि जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो अगर हम यहाँ पे जी निकालेंगे तो जे के लिए कोई जगह है क्या, क्योंकि यहाँ पे आ गया एफ और यहाँ पे आ गया बी। तो यहाँ हम एच नहीं निकाल सकते। ओके, अब देखते हैं कि एच यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या। अगर एच यहाँ पे निकालेंगे, एक छोड़ के राइट में जी निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे जी नहीं निकाल सकते। तो एच ये दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता। तो एच यहाँ पे निकाल के देखते हैं, और सेकंड टू द राइट में क्या है, जी है। जी और जे क्या है, इमीडिएट नेबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जे एक तो यहाँ पे आ सकता है और जे एक तो यहाँ पे आ सकता है। और कंडीशन देखते हैं तो ये भी कंडीशन हमारी हो गई, क्योंकि यहाँ पे ए के नेबर में सी एंड एच है, ई नहीं है, और एच के सेकंड टू द राइट में जी है, ये भी कंडीशन हो गई। अब एक ही कंडीशन बची है कि ई के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है, डी है। ई हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे तो ए है। तो हमें ई यहाँ पे ही रखना होगा। अगर ई यहाँ पे रखेंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी। तो चलिए निकालते हैं, ये हो गया ई एंड सेकंड टू द लेफ्ट में आ गया डी। अब जी का इमीडिएट नेबर कौन है, जे है। तो ये हो गई हमारी पूरी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल।